श्रीदेवी की मौत को 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक लोग उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। जिस रात श्रीदेवी का निधन हुआ था वो उस रात दुबई में मोहित मारवाह की शादी में पहुंची थी। ये पहला मौका था जब विदेश में श्रीदेवी अकेली थी। रात के वक्त खबर आई कि श्रीदेवी का निधन हो गया है और मानो कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। श्रीदेवी के निधन के कुछ ही मिनटों बाद ये खबर आग की तरह फैल गई और उनके प्रशंसकों के बीच हाहाकार मच गया। कैसे हुई श्रीदेवी की मौत? शुरुआत में बताया गया कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई है, लेकिन बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है। अब श्रीदेवी की मौत को लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिर कैसे अचानक श्रीदेवी की मौत हो गई? लोगों के तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए कि कैसे श्रीदेवी का निधन हुआ होगा। अब श्रीदेवी की मौत के 2 महीने बाद एक वीडियो ने दावा किया है कि श्रीदेवी का कातिल पकड़ा गया है। यूट्यूब वीडियो का दावा, श्रीदेवी के निधन के बाद से ही यूट्यूब पर उनसे जुड़े कई वीडियो आने लगे थे। कुछ वीडियो ने बोनी कपूर को श्रीदेवी का कातिल बताया तो कुछ ने श्रीदेवी की बेटी का नाम लिया था। हद तो तब हो गई जब कुछ वीडियोस में अर्जुन कपूर को उनका कातिल बताया गया। अब एक बार फिर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो ये दावा करता है कि श्रीदेवी का कातिल पकड़ा गया है। इस वीडियो में पूरी कहानी भी बताई गई कि कैसे उस रात श्रीदेवी का निधन हुआ था और बोनी कपूर उस समय क्या कर रहे थे। देखिए वीडियो। इस तरह की कई वीडियो यूट्यूब पर वायरल होती रहती हैं और इनमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। श्रीदेवी का निधन कैसे हुए होगा ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि बोनी कपूर ने बाद में सामने आकर उस रात की पूरी सच्चाई बताई थी। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे कपूर खानदान में सब कुछ ठीक होगा। आपका एक लाइक बताएगा कि आपको ये खबर पसंद आई है। अगर खबर पसंद है तो लाइक जरूर करें। It's caught in the crossfire.